कमलनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक लगातार जारी है और बैठक में करीब एक दर्जन प्रस्ताव रखे जाएंगे। इसमें सबसे पहले महत्वपूर्ण प्रस्तावों की अगर बात की जाए तो रियल एस्टेट सेक्टर के लिए आवास नीति 2007 में बदलाव का भी प्रस्ताव है। अभी 2 हेक्टेयर यानी कि 5 एकड़ जमीन पर एक प्लांटिंग की जा सकती है, लेकिन इसे संशोधन के बाद इससे कम जमीन पर भी प्लांटिंग हो सकेगी। इसका फायदा छोटे कॉलोनाइजर्स को प्लॉटिंग हो पाएगी, कॉलोनाइजर्स को मिलेगा। और इसके अलावा अवैध तरीके से जमीन पर प्लॉटिंग करने की समस्या भी कम होगी, जिसमें नई अवैध कॉलोनियां पनपने पर अंकुश लगेगा। शराब नीति में भी बदलाव को लेकर प्रस्ताव पास किया जा सकता है। बार लाइसेंस के लिए वर्तमान में 5 लाख की अनिवार्यता है, लेकिन इसे खत्म कर अब 1.5 लाख रुपए में लाइसेंस मिलने का प्रस्ताव भी पेश किया जा सकता है। आपको बताते चले कि मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर दिल्ली से वापस लौट आए हैं और आज उनकी अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक जारी है। निर्मल सिंह बस ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। निर्मल, कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में लगातार जारी है, एजेंडा क्या है और साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि कब तक ये बैठक जारी रहेगी? देखिए रश्क, निश्चित तौर पर ऐसा लगता है, अभी आप भी जिस तरीके से कैबिनेट में संभावित प्रस्ताव जो बता रही थी कि पर्यटन को बढ़ावा देने से जुड़े ज्यादा प्रस्ताव इस बैठक में नजर आते हैं। बैठक में शराब नीति में बदलाव का प्रस्ताव लाएगा, इसके अलावा बार लाइसेंस के लिए सरलीकरण किया जा रहा है, साथ ही बार के लिए 10 कमरों की बाध्यता भी खत्म करके 5 कमरों की जा रही है। तो ये कहीं ना कहीं बाहर की बात करें या शराब की बात करें तो सत्ता पक्ष हमेशा विपक्ष के निशाने पर रहा है। विपक्ष का ये कहना है कि मैनिफेस्टो में जो है मद्य निषेध की बात करने वाली कांग्रेस जो है कहीं ना कहीं राजस्व के लिए शराब को बढ़ावा दे रही है। इसके अलावा अगर दूसरी बात करें रश, तो जबलपुर के एयरपोर्ट के लिए एक अच्छी खबर है, 50 हेक्टेयर जमीन देने का प्रस्ताव कैबिनेट की बैठक में लाया जा रहा है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हेरिटेज बिल्डिंग प्रोत्साहन योजना का मसौदा भी इसमें रखा जाएगा। साथ ही एक अहम बात है कि मध्यप्रदेश के जो मुंबई में बना मध्यप्रदेश भवन है, मध्यप्रदेश सरकार का मध्यप्रदेश लोक भवन, उसके संचालन का जिम्मा पर्यटन विभाग को सौंपा जाएगा और साथ ही पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के प्रस्ताव भी इस कैबिनेट की बैठक में शामिल हो रहे हैं। डीजी का एक पद बढ़ाए जाने का प्रस्ताव भी जो है कैबिनेट की बैठक में लाया जाएगा और साथ ही वन क्षेत्र से लेकर रिसोर्ट की बाहर नीति के सरलीकरण का प्रस्ताव भी जैसे कि हम चर्चा कर रहे हैं इसके लाया जाएगा। तो ये ऐसा नजर आ रहा है। साथ ही जो सबसे अहम बात है कि जो पटवारियों की हड़ताल है, अनौपचारिक बैठक में कहीं ना कहीं उस पर भी चर्चा की जा सकती है। किसानों का मसला सरगर्म है, मुख्यमंत्री खुद अभी आप बता रही थी कि दिल्ली से लौट कर आए हैं, प्रधानमंत्री से मिलकर आए हैं, तो वो मसला भी बाढ़ पीड़ितों की, अतिवृष्टि पीड़ितों की सहायता की बात भी अनौपचारिक बैठक में हो सकती है। जी रश्मि, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।